Hello students, in the previous lecture we have studied about the applications of Euclid's division lemma and the fundamental theorem of arithmetic, and in this lecture we will study the irrational numbers. अब irrational numbers को start करने से पहले आपको ये चीज़ बता दीजिए कि CBSE ने इस बार क्या किया है syllabus में. syllabus से Euclid's division lemma जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वो syllabus से remove कर दिया है, delete कर दिया है. तो वो portion जो division lemma है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, आप वो पढ़ने हैं. बट डिवीजन लेमा है उसका आप जो फर्दर जो बाकी के टॉपिक्स है उसमें यूज़ है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन उस पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो वैसे भी नहीं आते थे पहले भी, मतलब उतने ज़्यादा नहीं आते थे, और अब उसमें CBSE ने इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए वो टॉपिक रिमूव कर दिया है, तो उस पोर्शन से नहीं आएगा. लेकिन हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमें आगे के जो इरेशनल नंबर्स हैं या बाकी के जो और टॉपिक्स हैं उनमें उसका यूज़ है, तो इसलिए जो हमने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि हमने अननेसेसरी पढ़ा है, उसका भी यूज़ है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज़ इरेशनल नंबर्स. अब जैसे कि हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. पी अपॉन क्यू फॉर्म मीन्स इस टाइप से फ्रैक्शनल फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, और जहाँ पे ये पी एंड क्यू क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. इस फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स हैं. और जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो क्यू है वो क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है. तो ये कंडीशन होती है फॉर अ नंबर टू बी रेशनल. अगर कोई भी नंबर है वो रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. ये हमें पता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अब बात आती है हम क्या पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे सेम कंडीशन को हम देखेंगे कि ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, द नंबर्स दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो कंडीशन इसमें भी थी, इसमें भी है, सेम है. लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर्स में क्या होता है, हम उनको उन नंबर्स को क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स में हम उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जैसे उसके एग्जांपल्स क्या हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स, इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई और रेशनल नंबर्स है, अगर हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमने कोई भी नंबर लिखा है, जैसे जैसे ये हो गया, ठीक है, अगर ये हमने ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, रेशनल नंबर है, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ आएगा, बीच में डेसिमल लगेगा और कुछ नंबर्स आएंगे. और उसमें रेशनल नंबर्स में क्या होता है, अगर वो आते हैं तो जो अगर इसे पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ जो रेशनल नंबर्स है जो पूरा कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो कैंसिल आउट नहीं होंगे और जो डेसिमल लेके उसके बाद आगे रिपीट होते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होते जाएंगे. लेकिन इरेशनल नंबर्स की ये होता है कि अगर उनको हम क्या करें, डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो कभी एंड नहीं होते और उसमें रिपीटेशन भी नहीं होता है, वो फॉरएवर चलते जाएंगे. जैसे कि रूट टू है, तो रूट टू की वैल्यू क्या होती है, रूट टू इज़ 1.414213562 3 एंड सो ऑन. इस तरीके से नंबर्स क्या होंगे, चलते चले जाएंगे और इसका कोई एंड नहीं है. मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर्स जो भी हैं ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मीन्स एक कोई ट्रेंड नहीं है कि हाँ इसके बाद टू के बाद वन ही आएगा या वन के बाद टू ही आएगा, कोई रिपीटेशन नहीं है, और ये चलते जा रहे हैं और कभी इसका एंड नहीं होगा. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स. इसीलिए हम इनको कह देते हैं कि हम इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई एक तो ना रिपीटेशन है और कोई एंड भी नहीं है, तो इसलिए क्या है, दीज आर इरेशनल नंबर्स. इसी तरीके से अगर हम पाई की वैल्यू देखें, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14159265535 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहता है और कभी एंड नहीं होता है. तो इसकी वैल्यू का कोई एंड नहीं है और ना ही इसमें कोई रेपिटेशन है. तो दिस नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, मीन्स इनका कोई एंड नहीं है और इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में
नहीं लिख सकते, हम अपने कैलकुलेशन के लिए हम इसका कुछ पार्ट यूज़ कर लेते हैं इतना, जैसे हम इसका कहते हैं कि 1.414 यूज़ कर लेते हैं, इसका 3.14 यूज़ कर लेते हैं इनकी वैल्यूज़, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज, करेक्ट वैल्यूज, एक्यूरेट वैल्यूज़ तो होती नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई एंड ही नहीं है कि हम इसको कहीं पर एंड कर सकें। तो जो भी हम वैल्यू यूज़ करते हैं वो एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, और जो हम इसकी जो ये नंबर्स हैं वो क्या हैं, इरेशनल नंबर्स, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है, फॉरएवर ये चलते रहते हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ टू प्रूव एनी नंबर टू बी इरेशनल, मीन्स अगर हमें कोई नंबर गिवन है और ये कहा जा रहा है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और उसे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि वो क्या है, इरेशनल है। तो इसको अगर हमें प्रूफ करना हो ऐसे, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वी यूज़ द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स अगर हमें कोई जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो रेशनल नंबर्स की जो कंडीशंस होती हैं, रेशनल नंबर्स की अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स वो क्या है, इरेशनल है। अगर रेशनल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या होगा, वो नंबर इरेशनल हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है। सो कैसे करना है, उसका मेथड क्या है, नाउ लेट अस सी। तो अब हमने यहाँ पे क्या, सपोज के लिए हमने नंबर ले लिया कि वी हैव टू प्रूव दैट रूट फाइव इज़ इरेशनल। अब हमें जो नंबर हमें प्रूफ करना है इरेशनल, जिस नंबर को, वो क्या है, रूट फाइव है, रूट फाइव को हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। अब इरेशनल हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे, मेथड इस मेथड से करना है, तो हम उसको ये दिखा दें कि वो रेशनल नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए पहले हम इसके ऑपोजिट हम सपोज कर लेते हैं, मीन्स हमें जो चीज़ दिखानी है कि ऐसा नहीं है, पहले उसको हम सपोज कर ले रहे हैं कि वो चीज़ उसी तरीके की है। अगर इसको हम समझे कि इसको हमें इरेशनल दिखाना है, तो पहले हम क्या सपोज कर ले रहे हैं कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, ये हमने सपोज कर लिया। अगर हम ये सपोज करेंगे और सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो उससे हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि ये इरेशनल है। तो इसको देखते हैं, तो हमने पहले क्या सपोज कर लिया कि ये रूट फाइव क्या है, रेशनल है, एज्यूम कॉन्ट्रेरी लिखा है, मीन्स इसको हमने जो कंडीशन है उसके ऑपोजिट हमने एज्यूम कर लिया है, सिर्फ प्रूफ करने के लिए हमने एज्यूम किया हुआ है कि क्या है, रूट फाइव रेशनल है। अब अगर हमने क्या किया, रेशनल सपोज किया है, तो रेशनल नंबर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते होंगे अगर ये रेशनल हुआ। तो अगर रेशनल है तो ये क्या होगा, रूट फाइव इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, यहाँ पे पी और क्यू कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, कोई होल नंबर्स होंगे, उनके फॉर्म में इसको लिख सकते होंगे। तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन है जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने पहले लिखा कि ये रेशनल है, उसके बाद रेशनल नंबर की कंडीशन लिख दी कि अगर ये रेशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि अगर p अपॉन q फॉर्म में है, तो ये जो जो होल नंबर्स होते हैं p और q, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब है कि ऐसे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके क्या होता है कि कोई उसमें कॉमन नहीं होता, कोई भी नंबर मीन्स उसका अगर हम क्या करें, वो क्या होते हैं, सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं अपने नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ अपने खुद से डिविजिबल होते हैं और वन से होते हैं। उसी तरीके से को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ वन होता है, ठीक है, और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, वो खुद के नंबर्स होंगे, बाकी वन के अलावा और भी कोई भी कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के बीच में नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी अदर नंबर कॉमन नहीं होता है उनके फैक्टर्स में, वो को प्राइम होते हैं। तो इसकी ये भी कंडीशन होती है रेशनल नंबर्स की, जो पी अपॉन क्यू हैं इनको क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या सपोज कर लिया कि रेशनल है, रेशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा, और पी अपॉन क्यू फॉर्म का है तो वहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमने देख ली। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पे अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो इस तरीके से इक्वेशन ये बन जाएगी, तो q रूट फाइव इक्वल्स टू पी हो गया, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर किया तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमने एक सपोज कर लिया, ये इक्वेशन नंबर वन है। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो फाइव है वो क्या है, पी को डिवाइड करता है। अगर हम इसको यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिखें, इसको अगर पी को इसके नीचे ले आएँ इस तरीके से, पी स्क्वायर अपॉन क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइव जो है वो क्या कर रहा है, पी को, पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि फाइव कैन डिवाइड पी स्क्वायर। तो फाइव क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अब अगर फाइव पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव क्या है, पी को भी डिवाइड कर सकता है। ये इससे हमें कंक्लूजन मिला कि अगर फाइव क्या है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमें ये एक कंडीशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब बात क्या आती है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसमें डिवाइड करेगा, अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, उसमें रिमाइंडर कोई कुछ नहीं बचेगा लेकिन क्वेश्चेंट होगा। तो हमारी जो इक्वेशन होती है, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसमें एक रिमाइंडर भी होगा और जो डिविजर होगा, जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, और साथ में एक क्वेश्चेंट होगा, और जो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो डिविडेंड है। तो ये हमने, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि ये रिलेशन होता है डिविडेंड डिविजन एंड क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब अगर इस कंडीशन को देखें तो अगर फाइव पी को डिवाइड कर रहा है तो पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हट गया, रिमाइंडर तो है ही नहीं, इसमें बचेगा ही नहीं अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो पी क्या है, पी को डिवाइड किया जा रहा है, दैट मीन्स पी इज़ डिविडेंड। और फाइव अगर डिवाइड कर रहा है तो फाइव इज़ डिविजर, डिविजर फाइव है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई इसका क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ होगा जिसको हमने क्या सपोज कर लिया, सी। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन गई, अगर डिविडेंड पी है तो पी इक्वल्स टू डिविजर इज फाइव एंड क्वेश्चन इज सी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, पी इक्वल्स टू फाइव सी। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फाइव पी को डिवाइड करता है तो क्या होगा, पी इक्वल्स टू फाइव सी होगा। मीन्स किसी क्वेश्चन के लिए, किसी वैल्यू, किसी नंबर की वैल्यू के उतने टाइम्स वो उसको डिवाइड करेगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पी की वैल्यू है, हमें यहाँ से क्या हो गया, p की वैल्यू मिल गई ना, कि p इक्वल्स टू फाइव सी है। अब ये जो p की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, इस p की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। अगर हम इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव क्यू स्क्वायर तो सेम रहेगा इसी के तरीके से। अब यहाँ पे पी स्क्वायर मीन्स हमें इस पी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इस पोर्शन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर किया 25, सी का स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर, तो फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर हो गया। अब क्या किया गया है, अब यहाँ पे ये फाइव है, यहाँ 25, ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो ये फाइव वन टाइम्स और ये फाइव फाइव टाइम्स, तो गया। तो क्या हमें इक्वेशन मिली, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर। अब हमें क्या मिला, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही हमें एक और इक्वेशन मिली। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इसी टाइप की इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर वन है, सेम इसी टाइप की इक्वेशन दिख रही है कि यहाँ फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर है, लिखा बस इधर से इधर उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन सेम इक्वेशन तो सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है इक्वेशन से, कि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फाइव है वो क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा था कि फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर था, मीन्स ये जो फाइव था वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ये इक्वेशन से हमें ये कंक्लूजन मिला था, सेम कंक्लूजन हमें इससे ये मिल रहा है कि जो फाइव है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का क्या मीनिंग हुआ कि फाइव कैन डिवाइड क्यू स्क्वायर। अब ये फाइव क्या है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो क्या होना, इससे हमें क्या कन्फ्यूजन मिला कि इट कैन ऑल्सो डिवाइड क्यू, मीन्स जो फाइव है वो क्या कर सकता है, क्यू को भी डिवाइड कर सकता है। जो जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि फाइव पी को डिवाइड कर सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कन्फ्यूजन मिला कि फाइव क्यू को डिवाइड कर सकता है। अब क्या हो गया कि दिस शोज़ दैट फाइव डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ,
अब हमें यहाँ इसे इन दोनों, ये जो हमें यहाँ पे कंडीशन मिली, एक कंडीशन हमें यहाँ से मिली और एक कंडीशन हमें इस इक्वेशन से मिली। इन दोनों कंडीशन से हमें ये मिला कि जो फाइव ये जो नंबर है वो क्या कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो जो फाइव है वो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। कॉमन फैक्टर क्या होता है, मीन्स कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, जैसे पी एंड क्यू है, तो अगर एक कोई नंबर जैसे फाइव है तो वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो फाइव है इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन की कंक्लूजन से हमें ये कंडीशन मिल गई कि फाइव क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये तो इस जो हमारा जो इनिशियल क्या था, जो हमने सपोज की थी कंडीशन कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब था कि उनमें तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए वन के अलावा, वन तो होता है सब में होगा, लेकिन उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमें जो हमने कंडीशंस जो हमने देखी तो हमें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल रहा है। अब क्या है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एन क्यू आर को प्राइम। ये तो हमारा जो इनिशियल जो हमने सपोज किया था कंडीशन कि पी अपन क्यू फॉर्म का है और पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, तो ये इस कंडीशन को ये तो बिल्कुल अपोज कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ये को प्राइम है। इससे हमें क्या पता चला, अगर हमें यह कॉमन फैक्टर मिल गया दैट मीन्स पी एन क्यू आर नॉट को प्राइम, पी एन क्यू आर नॉट को प्राइम। अब ये को प्राइम ही नहीं है, और जब ये अगर को प्राइम नहीं है दैट मीन्स जो हमने सपोज किया हुआ था कि वो रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, रूट फाइव को हमने सपोज किया था कि वो रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, और पी अपॉन क्यू फॉर्म का अगर है तो वो पी अपॉन क्यू को नॉन को प्राइम होने चाहिए। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिल गया कि वो को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स जो हमने इनिशियली जो सपोज किया हुआ था कि ये रेशनल है, वो हमारा जो सपोज करना मीन जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो हमारा एज्यूम्पशन क्या था, रॉन्ग था। मीन्स हमने सपोज किया था वो चीज़ क्या थी, ये तो रेशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। मीन्स वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो हमें लिखना था वो उसमें पी अपॉन क्यू क्या होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है दैट मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रूट फाइव इज नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है, दैट मीन्स इट इज इरेशनल। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी नंबर दिया होगा उसे हमें ये प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल है, तो उसके लिए हम पहले उसको सपोज करेंगे कि वो रेशनल है, फिर हम उसको यही चीज़ हम उसको रॉन्ग दिखा देंगे कि हमने जो सपोज किया था कि वो रेशनल है उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मीन्स ऐसे हमें कोई ना कोई कंडीशन उसके प्रूफ जब हम करेंगे तो उसमें हमें ऐसी कोई कंडीशन मिल जाएगी जहाँ पे वो रेशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और रेशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही किसी भी नंबर को प्रूफ करना होगा तो ऐसे ही प्रूफ करना है। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टू प्रूव दैट 3+2 रूट फाइव इज इरेशनल। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि 3+2 रूट फाइव इज इरेशनल। अभी तक हमने सिर्फ इतने मीन्स सिर्फ रूट फाइव को हमने प्रूफ किया था कि वो इरेशनल है, वो हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट फाइव इज इरेशनल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 3+2 रूट फाइव होगा तो ये भी क्या है, इरेशनल है। तो हमें अब इस नंबर को, ये जो नंबर है हमें इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे कि हमें कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से इसको प्रूफ करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस में किया, प्रीवियस एग्जांपल में सेम वैसे ही करना है कि पहले हम इसको हम एज्यूम कर लेंगे कॉन्ट्रेरी कि ये क्या है, रेशनल है। तो हमने वैसे ही किया, हमने एज्यूम किया पहले कि 3+2 रूट फाइव इज रेशनल। ठीक है, ये हमने सेम वैसे ही किया, सपोज किया। अब अगर ये क्या है, रेशनल है, दैट मीन्स इट शुड बी ऑफ फॉर्म पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म का होना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू फॉर्म का लिख दिया कि दैट इज 3+2 रूट फाइव इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। और जहाँ पे कंडीशन क्या है कि
क्यूज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, और साथ में क्या है जो हमने पढ़ा, पी अपॉन क्यू जो है उसमें पी एंड क्यू है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम मीन्स उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अगर हमने ये कंडीशन, ये हमने रेशनल के अकॉर्डिंग जो जो कंडीशंस होनी चाहिए वो हमने सपोज कर ली कि ये इसमें कंडीशंस हैं, ये हमने सपोज कर लिया। अब अगर हम इसका इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ से पी अपॉन क्यू को इस साइड लेके गए, जो इक्वल्स टू साइन है इसके इस साइड ले लिया, और टू रूट फाइव है इसको हमने अपोजिट साइड ले लिया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसको आर एच एस में ले लिया, तो क्या हो गया, थ्री माइनस पी अपॉन क्यू, यहाँ पे प्लस में था इधर चला जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस में इधर आके तो माइनस साइन लग गया, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया उस तरीके से, और हम इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या होगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर में अगर इसको हम क्या कर लें, पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, थ्री क्यू माइनस पी अपॉन थ्री क्यू माइनस पी, और यहाँ से हमने ये जो माइनस टू है इसको भी हमने इधर ही कर लिया है, मीन्स हमें सिर्फ रूट फाइव से हमें चाहिए था अलग, तो हमने इसको पूरा सेपरेट कर लिया, मीन्स इसको हमने सिर्फ आर एच एस में हमने रूट फाइव ही लिया और बाकी जितने भी नंबर्स थे उनको हमने एक साइड एल एच एस में ले लिया है। तो अब ये क्या हो गया, थ्री क्यू माइनस पी अपॉन माइनस टू क्यू, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हमें मिल गई कि रूट फाइव के लिए हमने एक इक्वेशन अरेंज कर ली, रीअरेंज करके हमने इस तरीके से इक्वेशन बना ली। अब क्या है, ठीक है, हमने इसको साइड लिख लिया सारे नंबर्स को, तो अब इसमें जो पी अपॉन जो पी और क्यू हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये जो पूरा जो नंबर, ये जो भी नंबर है तो वो क्या है, रेशनल नंबर होगा, मीन्स इंटीजर्स है और ये डिवीजन के फॉर्म में इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ क्या है, रेशनल है। हम पहले से भी सपोज करते आ रहे थे कंडीशन के वो रेशनल नंबर है और ये इंटीजर्स है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा ये क्या हुआ, ये इंटीजर्स है, दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। तो ये रेशनल हो गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो एल एच एस का पोर्शन है वो क्या है, रेशनल हमें मिल गया, ठीक। लेकिन अब हमारा जो आर एच एस वाला पोर्शन है ये क्या है, रूट फाइव। तो अगर हम इसका इक्वेशन को देखें कि ये जो एल एच एस है दैट इज़ इक्वल्स टू आर एच एस, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर ये रेशनल है दैट मीन्स ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर दिस पोर्शन इज रेशनल, एल एच एस का पोर्शन, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रूट फाइव भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। लेकिन ये क्या हो गया, हमारे जो कंडीशन हम तो पहले ही पढ़ चुके थे, हम प्रीवियस जो हमारे एग्जाम्पल थे उसमें हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस जो एग्जाम्पल है उसमें हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारा एजप्शन था, एजप्शन तो वो क्या है, रॉन्ग है। दैट मीन्स क्या है, ये जो हमने प्रूफ किए यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है इरेशनल की, ये इरेशनल नहीं है। दैट मीन्स हमारी जो प्रीवियस जो प्रूफ कर चुके हैं एग्जांपल में उससे हमें ये पता था कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो हमारा जो इनिशियल में जो हमें नंबर गिवन था वो क्या था, इरेशनल नंबर है, ठीक है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो कंडीशन आई थी, ये जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन से हमें ये जो क्या है इंटीजर्स हैं इससे हमें ये पता चला ये इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये रेशनल आ गया। अगर ये रेशनल आ गया दैट मीन्स ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जो हमें पहले से ही पता है कि ये रेशनल है ही नहीं, ये तो इरेशनल है, दैट मीन्स ये इस कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन आई है ये बाकी की हमारी जो हमने सपोज की थी इनके अकॉर्डिंग आई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आई हमारी ये कंडीशन दैट मीन्स ये कंडीशन रॉन्ग आई है। रॉन्ग क्यों आई, क्योंकि हमारा जो हमने जो एज्यूम किया हुआ था वही रॉन्ग था, तो हमारा एजप्शन ही रॉन्ग था। दैट मीन्स हमारा जो एजप्शन रॉन्ग था मीन्स हमने गलत एज्यूम किया हुआ था कि वो रेशनल है, दैट मीन्स वो रेशनल नहीं क्या है,
इरेशनल है, दैट मीन्स क्या है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इससे आया हमें प्रूफ हो गया कि ये क्या है, इरेशनल है, रेशनल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी अगर नंबर दिया हो कि इरेशनल नंबर है और उसको प्रूफ करना हो, तो इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि हम उसको पहले इरेशनल सपोज कर लेंगे, फिर हम इरेशनल की कंडीशंस उस पर अप्लाई करेंगे और वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी। कॉन्ट्रडिक्ट अगर कर रही हैं दैट मीन्स द नंबर इज नॉट रेशनल, दैट इज इरेशनल। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द रेशनल नंबर्स एंड उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम देखेंगे। तो इस जो टॉपिक है हमारा जो इरेशनल नंबर से, इसे यही आता है प्रूविंग के लिए आता है आपको कि नंबर आपको गिवन होगा और हमें इसको प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई ना कोई नंबर आपको गिवन होगा, √5 दिया, √3 दिया, रूट सबको सेम उसी तरीके से करना है, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बाकी हमारा मेथड सेम है। आपको एक बार मेथड समझ में आ गया कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और सेम आपको स्टेप्स अप्लाई करने हैं, बस आपके यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। अगर ये 3 + 2 फॉर्म प्लस या माइनस के फॉर्म में अगर यहाँ पे दिया होगा तो ये मेथड आप यूज़ करेंगे, और अगर सिंगल सिर्फ नंबर √5 या √3 √5 या √2 इस टाइप से दिए होंगे तो आप अभी जो प्रीवियस एग्जांपल पढ़ा था उसके मेथड से आप सॉल्व करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम यही है। बाकी इससे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से आएगा, तो ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वी विल स्टडी द टॉपिक रेशनल नंबर्स। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।